नमस्कार सुस्वागतम अभिनंदन, मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दी हुई जानकारियां, दिए हुए इतने सारे विचार, दिल की बातें आप तक पहुंचाई गई है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, पता चल जाता है कमेंट्स में लोगों के। जब धन्यवाद का मैसेज आता है, पर्सनली मुझे मैसेज आता है, मुझे ऐसा हिसाब होता है कि हाँ, मैंने लोगों के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया और कहीं ना कहीं एक नॉलेज का फायदा उन तक पहुंच सका और उनकी लाइफ में बदलाव आ चुका। आज एक ऐसे बदलाव को लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए ये मैसेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि आप सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते थे। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि पैसे लगाया, आज मेरे पास इतना रिटर्न मुझे मिल चुका है। बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप सर, मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट किया, मेरी प्रॉपर्टी में मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, एक के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच रेंट पे चल रही है, मेरा तो पूरा पैसा रेंट से आता है, मुझे तो कोई भविष्य की चिंता नहीं है इतना पैसों को देकर के, क्योंकि मेरा तो रेंट आ रहा है, मेरा तो बिजनेस चल रहा है। तो कैसे हो रहा है, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में उसको इतना रिटर्न मिल जा रहा है, इतना ज्यादा उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, इतना ज्यादा उसको गेन हो जा रहा है। आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे निवेश के ऊपर। आप अगर अपना पैसा किसी भी तरह के निवेश में लगाते हो तो आपको उसका परिणाम कैसा मिलेगा, कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको रिच बनाते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा धनवान बनाते हैं, चले जाते हैं टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, और आपके जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं। कैसे जानेंगे क्या होती है प्लेसमेंट्स और कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं, तो आज इस वीडियो में सारा कुछ मैं कवर करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इसमें बहुत डीप इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, जिसको जिसकी डेस्टिनी चाहेगी आज उसको यहाँ पे इसका फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन मैं लाता हूं तो आपको भी मुझसे प्यार है, जुड़ाव है, और उन सभी प्यार के लिए, जुड़ाव के लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। लेकिन सब्सक्राइब करिए, जो लोग यहाँ पे नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है आप लोगों के साथ जा सके। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो ऐसी मैसेजेस या चीजों को शेयर करते हैं। एक कर्मा कहलाता है, जब आप किसी चीज को अच्छी चीजों को दूसरों से बांटते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इट एज अ कर्मा, वो भी एक कर्मा काउंट होता है। आपने किसी ज्ञान की चीजों को हम यहाँ बांट रहे हैं आप सबसे, क्या आपका फायदा हो रहा है, ठीक है? आपके लिए अगर वो आपका जीवन बदल दिया तो आप हमें दुआएं दोगे। इसी प्रकार अगर आप किसी को ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या रिकमेंडेशन देते हो तो कहीं ना कहीं उनका भला हुआ तो वो आपको दुआ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आज हम चर्चा करेंगे उन योगों के बारे में जो कि एक व्यक्ति को सफल इन्वेस्टर बनाता है। यदि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो क्या उसमें आपको अल्टीमेटली लाभ प्राप्त हो सकता है, इस बारे में हम ज्योतिष द्वारा जानेंगे उन योगों के बारे में जो आपके धन को बढ़ा दे, मतलब दुगना, तिगना, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, ज्यादा ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले। चाहे आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल स्टेट और बिजनेसेस और एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एवरी पीपल इन्वेस्ट
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा जो है इन्वेस्ट करता है, और कई व्यक्ति तो डेली स्टॉक मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। काफी लोग जो है स्टॉक मार्केट में भी डेली इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के पीछे जो व्यक्ति का मोटिव होता है यही होता है कि वो उसको फायदा हो। पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इन्वेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं पर फायदा सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है और बहुत से लोगों को नुकसान होता है। तो ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, चलिए जानते हैं। कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जिससे व्यक्ति को फायदा पहुंचता है उसके इन्वेस्टमेंट में, और वो चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो अंत में फायदा प्राप्त होगा। अगर आप सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ग्रह कौन कौन सा होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन कौन से प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का योग बनता है। इन्वेस्टमेंट का कारक ग्रह है चंद्रमा, या चंद्रमा कुंडली में अच्छा होना चाहिए फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। चंद्रमा बेस होता है कुंडली में, अगर इन्वेस्टमेंट का योग देख रहे हो और चंद्रमा ही खराब है तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कभी अच्छा नहीं निकलेगा। चंद्रमा जो होता है वो बेस होता है, और चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करेगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो ये चीज शो करेगा कि व्यक्ति को प्रॉफिट होगा या अल्टीमेटली लॉस होगा, ये चंद्रमा आपकी इन्वेस्टमेंट से ही बताएगा, ये चंद्रमा से खराब या अच्छे होने से पता चलेगा। अब चंद्रमा को तो जान लिए, कहेंगे सर चंद्रमा तो मेरे में बहुत अच्छा है तो क्या मैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इन जगहों पे क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के अलावा जो शेयर मार्केट के प्लैनेट हैं, इसमें दो मुख्य प्लैनेट हैं जो है बुध और राहु। ये शेयर मार्केट राहु की मार्केट, बुध की मार्केट। इसमें कुंडली में व्यक्ति के अगर बुध बहुत मजबूत है, राहु भी फेवरेबल पॉइंट पे बैठा है, फेवर कर रहा है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान। बुध आपको बुद्धि प्रदान करता है इस क्षेत्र को समझने के लिए कि कब मार्केट में कूदना है, कब बाहर निकलना है, इस चीज का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और ये बुध की वजह से ही आती है। बुध स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति को राइट टाइम पे राइट एंट्री मिलती है। और राहु ग्रह शेयर मार्केट का मुख्य कारक ग्रह है, ऐसी कोई भी चीज जो बाजार से संबंधित है वो राहु ग्रह। राहु ग्रह आपको स्ट्रेट स्मार्टनेस देता है कि कहां एंट्री लेना है, अचानक से एंट्री दिलवा दिया और अचानक से गेन दिलवा दिया। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैंने तो उनके कहने पे पैसे लगा दिए और मुझे बहुत फायदा हो गया, या मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि हाँ पैसे लगा दो। तो वहां पे कहते हैं कि ये राहु ऐसा प्लैनेट है जो किसी माध्यम से आपके लाइफ में आपको एक स्ट्रेट वे दे दिया और आपको एक इन्वेस्टमेंट में एंट्री मिल गई और वहां से अपने प्रॉफिट अर्न किया। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं हमने पढ़ाई करी है और मैं नॉलेज रखता हूँ, लेकिन अगर राहु कुंडली में खराब है, राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, धन नहीं दे रहा है, प्रॉफिट पे नहीं है, तो वो व्यक्ति कितना भी अगर उसको समझ है शेयर मार्केट की, कितनी भी उसको समझ है मार्केट के बारे में, वो बुकिश लैंग्वेज काम ही नहीं आएगी। बिना राहु के सपोर्ट के आप शेयर मार्केट में काम कर ही नहीं सकते हो, ये बात एकदम 100% जो है ट्रू है। टेक्निकल साउंड नॉलेज जो है मार्केट की, जिसको बहुत सारे पैटर्न कहते हैं लोग, कैंडल स्टिक पैटर्न और लाइन पैटर्न और सो मैनी टूल्स लाइक, बहुत डिजाइन टूल्स होते हैं, बहुत लोग अलग अलग उनकी वर्किंग होती है। ये जो टेक्निकल साउंड नॉलेज होती है वो व्यक्ति को बुद्धि यानी कि बुद्ध प्रदान कर सकता है, एक्सपीरियंस राहु देगा, सिर्फ और सिर्फ राहु देगा, लक राहु देगा। तो कुंडली में बुध और राहु को जरूर देखें, क्योंकि बुध और राहु जितना ज्यादा आपकी कुंडली में अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, उतना ज्यादा आप नॉलेजेबल होंगे और उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा और आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हो सकते हो, और आपको और आप उतना ही अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क ले पाओगे।
और अल्टीमेटली आपके जो भी चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के, फायदा होने के, प्रॉफिट होने के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। राहु और बुध की जब हम बात करते हैं तो इनमें जब ये स्ट्रांग होते हैं आपकी कुंडली में, जब ये किसी व्यक्ति की कुंडली में स्ट्रांग होते हैं तो उसे मार्केट का सेंस होगा, बहुत जबरदस्त मार्केट सेंस होगा और बिजनेस का सेंस होगा, क्या करना है, किस ट्रेंड में करना है, क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे आप प्रमोट करना है, उसे भली बात ही पता होगा। ऐसा व्यक्ति क्विक डिसीजन मेकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होगा, उसे डिसीजन मेकिंग में बहुत क्विकली वो आंसर कर लेता है चीजों को। ये प्लैनेट उसे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं मार्केट की हर एक पहलू को लेकर। तो ये तीन बेस प्लैनेट हैं, चंद्रमा, मरकरी और आपका राहु। यही तीन प्लैनेट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक सफल निवेशक बनाते हैं। यही तीन प्लैनेट को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई एक भी प्लैनेट आपका डिस्टर्ब है तो आप शेयर मार्केट से लॉस पाओगे, तब आपके लिए ये शेयर मार्केट नहीं होगा। अगर ये प्लैनेट आपके इसमें अच्छे हैं तो आप जितनी भी सौदे लगाओगे, जितने भी आप शेयर्स खरीदोगे, आपको प्रॉफिट होगा। यही तीनों प्लैनेट हैं जो पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करके रखते हैं, चंद्रमा, राहु और आपका बुध यानी मरकरी। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है आपको, नेक्स्ट देखना है लग्न और लग्न के स्वामी की प्लेसमेंट की स्थिति, क्योंकि लगन का स्वामी जितना ज्यादा मजबूत हो, जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होता है, उतनी ही आपकी कुंडली में बल होता है। क्योंकि आपका जो लगन होता है वो आपकी हॉरोस्कोप का बेस होता है और उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तो लाइफ में किसी भी एरिया में आप सक्सेस पा सकते हो। या यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नहीं बोलना चाहूंगा, अगर आपका लगन का स्वामी ही मजबूत नहीं है तो आपकी कुंडली में कितने ही राजयोग बने, कितने ही धन योग बने, कितने भी अच्छे योग बने, तो फिर उनका कोई अर्थ नहीं है। उन धन योगों का, उन राजयोगों का समय काल जीवन में आएगा भी अगर, किंतु आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। वो जो राजयोग आपको वो प्लैनेट्स दे सकते हैं। कुंडली का हॉरोस्कोप का जो बेस है वो कमजोर है, स्वामी ग्रह कमजोर है। लग्न और लग्न का स्वामी ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम देखते हैं व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कि उसे कितनी सफलता प्राप्त होगी और वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये केवल लग्न के मजबूत होने पे ही आप विचार कर सकते हैं। तो लग्न और लग्न का स्वामी ग्रह स्थिति को जरूर दे। अब हम जानते हैं कुंडली में भाव जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला तो लग्न भाव, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ कंट्रोल करता है जो आपका लग्न। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो सेकंड भाव होता है, सेकंड नंबर पे भी, और सेकंड भाव जिसे हम धन भाव, ये आपकी सेविंग का भाव होता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इनकी प्लेसमेंट जरूर देखें। फिफ्थ हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है, तो ये भाव भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये भाग्य का भाव है और इस क्षेत्र में भाग्य बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे ज्यादा कोई चीज मैटर करती है तो भाग्य, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं लोग बहुत सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई उसकी सर्टेनिटी नहीं होती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबली हो, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल फिर भाग्य का आता है। तो ये हुई अनसर्टेनिटी और यहाँ पे भाग्य का बहुत बड़ा जो है रोल आता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कल कौन सी गतिविधियां हो सकती है,
कल कौन सा लॉस आके खड़ा हो सकता है, आपको फायदा या नुकसान हो सकता है, आपको नहीं पता है। तो इसीलिए भाग्य का बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा रोल होता है। तो इसमें हमें भाग्य को बहुत जरूर देखना होता है कि नाइन्थ हाउस जो कि भाग्य भाव है और भाग्य के भाव का स्वामी वो किस स्थिति में है। अगर भाग्य का स्वामी आपका फेवरेबल स्थिति में है तो उतना ही ज्यादा भाग्य आपका साथ देगा और आपको किसी भी लॉस से बचा लेगा, अक्सर बचा लेता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं और आज शायद बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए, मगर बहुत से लोग कई जगह इन्वेस्टमेंट करके डूब चुके हैं। ये भाग्य का खेल नहीं है तो और क्या है। उनका भाग्य भाव मजबूत होगा, वो इन्वेस्टमेंट करके बच गए और उन्होंने री इन्वेस्ट किया और फिर वो प्रॉफिट पा गए, फिर री इन्वेस्ट किया फिर प्रॉफिट पा गए। मगर एक व्यक्ति जिसने इन्वेस्ट किया वो डूब गया और दोबारा वो स्टैंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भाग्य भाव को देखना बहुत जरूरी है। लोग ये नहीं देखते हैं, बस बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई पोजीशन होल्ड करी या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया और लाइक स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, और वो लॉस में जाने वाला है और आप उससे पहले ही निकल गए और कल वो मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर गया या वो मार्केट डाउन चला गया तो आप उस लॉस से बच गए अगर आपका भाग्य मजबूत है। और अगर आपका नाइन्थ हाउस मजबूत नहीं है तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। कर्ज काफी हद तक आपके बढ़ सकते हैं, लॉसेस काफी हद तक आपके बढ़ सकते हैं। तो नाइन्थ हाउस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इसे कहूंगा कि आप कोई भी निर्णय लेते हो अगर वो भाग्य आपके फेवर में नहीं है, कोई भी चीज कहते हैं ना कि डेस्टिनी ने नहीं चाहा तो नहीं हुआ, तो डेस्टिनी का हाउस कितना मजबूत है। हर व्यक्ति को इसे देखना चाहिए कि हमारी डेस्टिनी का जो प्लैनेट है वो कैसी स्थिति में है। इन्वेस्टमेंट से हटके भी अगर हम देखें तो डेस्टिनी को देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो भाग्य का स्वामी है वो कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितने रिस्क तक जाना चाहिए। क्यों कहते हैं नो रिस्क नो गेन। अब भैया रिस्क ले लिया और रिस्क लेने के बाद डूब गए, तब वो कहां गए फिर वो कहने वाले लोग नो रिस्क नो गेन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके इसमें अगर भाग्य भाव मजबूत है, ठीक है, नाइन्थ हाउस बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे की प्लेसमेंट है, तो आप अगर रिस्क लेंगे तो आपको ओनली गेन और गेन और गेन होगा, केवल गेन होगा। लेकिन आप अगर आपका भाग्य भाव ही खराब है और आप जो है किसी कहने पे इन्वेस्ट करते हो या कुछ करते हो तो या रिस्क लेते हो, लाइक नॉर्मल इन्वेस्ट करते हो, बैंक में पैसा रख रहे हो, छोटी मोटी एफडी कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट। मगर जहां रिस्क मार्केट की बात करें, अगर ऐसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आप जाते हो तो वहां पे अगर आपका नाइन्थ हाउस खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप लॉसेस में फेस करोगे, आपका रिस्क लेना बेकार हो जाएगा, क्योंकि रिस्क आपको गेन्स नहीं आपको लॉसेस देंगे। अब हम 11th हाउस की बात करेंगे। 11th हाउस हमारा प्रॉफिट हाउस होता है। इसकी स्थिति, इस हाउस के स्वामी की प्लेसमेंट अगर बहुत ज्यादा अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी होगी ही नहीं। 11वें घर का संबंध हमेशा प्रॉफिट से होता है और ऐसे व्यक्ति के किसी तरह के बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उन्हें प्रॉफिट जबरदस्त होता है। और प्रॉफिट कई प्रकार से हो सकता है, मल्टीपल वे में उनको जो है अर्निंग हो सकती है, जिसे हम कह सकते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है इनको, कि कई जगहों से इनको धन की प्राप्ति हो सकती है, जहां जहां वो इन्वेस्ट करेंगे वहां वहां उनको फायदा होगा। अगर 11वें घर का स्वामी मजबूत है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो 11वां घर हमेशा आपको दे के जाएगा। मतलब लाइक व्यक्ति को अर्निंग एफर्टलेस अर्निंग होगी, तो वहां पे अगर वो मार्केट में जाता है तो 11वां घर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से अपने जीवन में ढेर सारा प्रॉफिट बनाएगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट उसके जीवन में हमेशा जुड़ते जाएंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ते जाएंगे, हर चीज उसे रिटर्न मिलता जाएगा।
वही अगर 11वें घर की स्थिति कमजोर है तो यानी कि 11वें घर का स्वामी अगर जा करके कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया है या गलत प्लैनेट के साथ बैठा है तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति कर्जे में डूब सकता है, बुरी तरह से लॉस में जा सकता है और उसके धन की हानि ही हानि होगी, वो फायदा नहीं कर पाएगा। तो उन व्यक्तियों को जिनकी 11वें घर की स्थिति खराब है या नहीं है तो एक बार विचार करें और उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस मार्केट में फिर उनके लिए थोड़ा सा ये जो कॉल थोड़ी सी चीजें टफ हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लेसमेंट्स हैं जो बताते हैं और ऐसा योग बनाते हैं कि आपके जीवन में धनी धन पैदा हो जाए, धनी धन आता जाए और आप धनवान बनते जाए। धनवान बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का सहारा लेना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट तभी करिएगा जब आपके इसमें ये प्लैनेट्स मजबूत हों। दोस्तों हम आपके लिए ढेर सारी बातें लेके आते हैं, यहाँ पे शेयर मार्केट से संबंधित भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, कई बार हम प्रेडिक्शन भी देते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी जाती है। और अगर आपको अपनी शेयर से रिलेटेड प्रेडिक्शन करवानी है या फिर आप इसमें मार्केट में जाना चाहते हो और अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, जैसे क्रिप्टो कॉइन्स हो गए और आपके शेयर मार्केट की काफी शेयर्स की इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। वो इंफॉर्मेशन स्टोरी या शॉर्ट्स के फॉर्म में होती है और वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है, जिससे आपको जो है पर्टिकुलर फॉर 1 डेज और 2 डेज और 3 डेज, क्योंकि एक कॉइन या फिर एक शेयर 2-3 दिन में उसकी काया पलट हो जाती है, वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, लाइक है ना नीचे से ऊपर चला जाता है। तो 2-3 दिन तक ये अपेयर होता है, काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है और कुछ ऐसे वीडियो पड़े हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और कब उसका मैंने वीडियो, कब उसकी प्रेडिक्शन मैंने कॉइन की और पर्टिकुलर शेयर की दी थी और आज वो कॉइन पर्टिकुलर शेयर कहाँ पे है। तो ये डिफरेंस जो है बताएगा आपको, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और आगे ऐसे टिप्स और आगे ऐसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप तक वो टिप पहुंच सके और आप जाकर इजीली इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट बताते हैं हम वो हमारी प्रेडिक्शन के बेसिस पे होती है, उसे हम अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे बताते हैं, वो डेफिनेटली वो ऊपर जाती है, उसमें कोई शक नहीं होता है, वो 100% ऊपर जाता ही जाता है। तो दोस्तों इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, हर बार की तरह कमेंट में जय माता दी जरूर लगे अगर आपको दी हुई जानकारी पसंद आई है। फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नए नॉलेज के साथ जो आपकी लाइफ को बदल देगी, ये जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं और ये जानकारियां आपको देखना बहुत आगे ले जाएंगे। शेयर मार्केट और क्रिप्टो संबंधित टिप्स और इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन से संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज हैं इसको आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और जिन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिर आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।